This story is brought to you by tapeatale.com. बतख वो इकलौती पक्षी है जो जमीन पे चल भी सकती है, आसमान में उड़ भी सकती है और समंदर में तैर भी सकती है। कैसा लगेगा कि अगर हम बतख से कहें कि ये क्या तीन तीन लगा रखा है, लाइफ में एक ही रास्ते चलो ना, ये सब जानवर क्या पागल है जो इतने कामयाब है। और यही अगर कोई रिश्तेदार, दोस्त यार, परिवार हमसे पूछ ले कि बेटा लाइफ में क्या करना है, कोई एक गोल तो होगा, और हम कहें कि एक तो नहीं है एक्चुअली, एक से ज्यादा है, तो कहेंगे वाह क्या बात है, अल्टीमेट इडियट। बेटा दो नाव में पैर रख के नदियां पार नहीं होती। स्कूल में मैं वो ओवर अचीवर लड़की थी जिसे सब करना होता था, लगता था लाइफ एकदम परफेक्ट है। मुझे बचपन में ही मेरा सपना ऐसे गिफ्ट रैप करके दे दिया था और मैं 8 साल तक वो सपना देख भी रही थी। फिर कॉलेज में आई तो पता चला कि यार ये सपना तो अपना है ही नहीं। तो अब मुझे एक और सपना दे दिया गिफ्ट रैप करके, ये MBA वाला है, पक्का पसंद आएगा। वो गिफ्ट्स नहीं होते जो हम खोलकर वापस डब्बे में डाल देते हैं कि आगे दे देंगे, वैसे ही। अब लाइफ बस एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रही थी प्लान सी के आगे का। फिर आया पैंडमिक, 2019 का लॉकडाउन। पहले 3 महीने मैं एक बार को सब भूल गई थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बेफिक्र होकर जो मैं इस कोहरे में घूम रही हूं, आगे जाकर एक कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी की दीवार से इतना जोर से भिड़ूंगी कि फिर उठने को सहारा चाहिए होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्कूल वाली जयश्री गई कहां। ऐसा लग रहा था कि मैं चीख तो रही थी मदद के लिए पर म्यूट पर। देने को सबके पास राय थी, एग्जाम्पल्स थे, हर कोई मेरी करियर काउंसलिंग कर रहा था और मैं भी बहुत कोशिश कर रही थी कि ढूंढ लूं अपनी लाइफ का पैशन, अपनी ट्रू कॉलिंग, लगा दूं निशाना मछली की आंख पर वो कोहरा था कि छट ही नहीं रहा था। पता है खुद को डूबते देख इतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूसरों को तिनका मिलते देख होती है। ऑन 24th of December 2020 मुझसे किसी ने कहा, जयश्री, दिस जयश्री इज अ लूजर, इज अ कावर्ड। क्यों डर रही है? ओ, फेल हो जाएगी। पर अब जहां है इससे नीचे तो क्या जाएगी ब्रो। मैं भूल नहीं सकती उस शाम को, उस घुटन को, उस गुस्से को। मैंने वो पूरी रात लगाकर वो सब लिखा जो मुझे करना है, जो मुझे आता है, पर उन सब में कोई वो सिर्फ एक चीज नहीं मिल रही थी जिसपे अपनी लाइफ लगा दूं। मैं और डर गई। मुझे लगा यार ऐसे तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी लाइफ में। और जैसा कि मैंने कहा, खुद को डूबते देख इतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूसरों को तिनका मिलते देख होती है। अब मैं दूसरों की कहानियों में अपनी कहानी ढूंढ रही थी कि कोई तो मिलेगा जिससे मैं रिलेट कर पाऊं, कोई तो भटका होगा इसी कोहरे में मेरी तरह, जो मेरी तरह एक से ज्यादा चीजों के लिए जुनूनी हो। क्या मैं नॉर्मल हूं? थोड़ा वक्त लगा पर मैं समझ गई। मैं समझ गई कि दोस्त यार, परिवार, रिश्तेदार हर बार नहीं बता पाएंगे कि कौन सा सपना सही है, खुद निकलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं समझ गई थी कि लाइफ में मैं कुछ करूं ना करूं, बनूं ना बनूं, मैं वो लड़की बनूंगी जो डरती नहीं है समाज के शिकायतों से, सवाल से, सपने देखने से, रास्ते बदलने से और जो पीछे छोड़ दिए हैं उन तक लौट कर जाने से भी। मैं समझ गई थी कि हाँ ये सच है कि दो नाव में पैर रख के नदियां पार नहीं होती, पर ये किसने कहा कि नाव बदल भी नहीं सकते। मैं समझ गई थी कि हम सब दोस्तों इसी कोहरे का हिस्सा हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले ज्यादा दूर तक देख ही नहीं पाएंगे। ये जो चंद फीट की जमीन तुम्हारे आगे दिख रही है ना, यही है हमारा सब कुछ। हम में से कुछ हैं जो आगे वाले कदम के पीछे हो लेते हैं और कुछ हैं
जो वो आगे वाले कदम रखते हैं, पर वो जो डर के वहीं रुक जाते हैं, खो जाते हैं उसी कोहरे में कहीं, और फिर कोहरे को ही दोष देते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है जयश्री, पर करना क्या है? जवाब मिला? हाँ, मुझे ना बतख बनना है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपना समंदर, अपना आसमान और अपनी जमीन भी ढूंढ ही लूंगी। थैंक यू सो मच।